चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हम अपना कोई भी एक ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं, अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं। अब ये पे क्रोम ब्राउज़र पे ओपन करेंगे और आपको सिंपली यहाँ पे न्यू टैब पे टाइप करना है। आप जब न्यू टैब पे टाइप करेंगे तो आपको ये थोड़ा सा परमिशन मांग रहा है, इसको आपको परमिशन दे देना है। अब बैक चलते हैं, यहाँ पे आ गए देखो न्यू टैब पे, और न्यू टैब पे आपको सर्च में डालना है पीएम किसान स्टेटस। अब इस पर जब क्लिक करेंगे तो आपका ये खुल के आ गया। देखिए आपको इस पर साइट खुल के आया। आपको क्या करना है, जो सबसे पहले आपका ये सर्च आया है इस पर आपको क्लिक करना है। आप इस पर क्लिक करेंगे, बस थोड़ा सा समय लग रहा है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये साइट आगे खुलेगी। ये देखिए ये पीएम किसान सम्मान योजना का ऑफिशियल वेबसाइट है। ये ऐप भी है, चाहे तो आप ऐप से भी इंस्टॉल करके गूगल प्ले स्टोर में जाके आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं, और चाहे तो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। आपका जो ज़मीन का 2000 रुपये आता है वो आपका यहाँ से चेक हो जाएगा। बस थोड़ा नेट से चल रहा है, नेट एरर बता रहा है। दोबारा प्रयास करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी साइट जब बिजी होती है तो कभी कभी बताने लगता है। थोड़ा सा समय लग रहा है। ये बस खुलने वाली है। जो भी हमारा पैसा, आप यहाँ पर तीन तरीके से देख सकते हैं, या चाहे अपना आधार नंबर डाल के भी देख सकते हैं और अपना अकाउंट नंबर। देखिए यहाँ पे खुल गया। ये देखिए भारत सरकार कृषि किसान कल्याण मंत्रालय। आप यहाँ पे आएंगे, लॉगिन लिखा, डाउनलोड केवाईसी फॉर्म लिखा हुआ है, तो आप सिंपली कुछ नहीं करना है क्योंकि हमको चेक करना है अपने आधार से। यहाँ देखिए आधार कार्ड लिखा है, आधार नंबर, अकाउंट नंबर। अगर हमें अकाउंट नंबर से लिखना है तो अकाउंट नंबर क्लिक कर सकते हैं, और अगर मोबाइल नंबर से चेक करना है तो मोबाइल नंबर से कर सकते हैं। लेकिन हमें आधार नंबर से करना है तो क्या करते हैं, सिंपली आधार नंबर पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे हम अपना आधार नंबर डालते हैं। यहाँ पे अपना हम सिंपली से आधार नंबर डालते हैं, जो भी हमारा आधार नंबर है। अब देखो ये हमारा आधार पूरा आधार नंबर पड़ गया है। अब क्या करते हैं, ये गेट डाटा, इस पर हम क्लिक कर देते हैं। जब हम गेट डाटा पे क्लिक कर देंगे तो देखिए कुछ बता रहा है शायद। ये बता रहा है कि इस नंबर से आपका जो आधार नंबर है, इस नंबर से कोई भी आधार नंबर नहीं बना है। देखिए यहाँ पे छः की जगह पर 5 होना था, तो यहाँ पर 5 है। फिर गेट डाटा पे क्लिक करते हैं। जी
जैसे मैंने गेट डाटा पे क्लिक किया, ये हमारी साइट खुल के आ गई। ये जो उसका खाता धारक का नाम है, खाता धारक का नाम आ गया, ये उत्तर प्रदेश। और देखिए ये पहली किस्त आई है, पहली लिखा है पेमेंट डन। ये अकाउंट नंबर है, ये आई थी 12/3/2019 को। जो भी डेट है ये किस्तें आती हैं। ये देखिए तीसरी किस्त आई है, पेमेंट डन लिखा है। ये चौथी किस्त आई है 2000 रुपये की, पेमेंट डन। ये जो खाता धारक है उसका अकाउंट नंबर के 4 लास्ट डिजिट हैं। और ये देखिए 7/2003/2020 में आई थी और ये 14 तारीख को आई थी। ये पेमेंट डन है। तो आपको क्या करना है, इसी प्रकार से आप देख सकते हैं, उसको छोटा जूम कर लेना है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा है। और आपको वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो को शेयर करें कि कुछ लोगों को जानकारी मिल सके कि हमारा पैसा आया है ज़मीन वाला, नहीं आया है, जो भी।